फ्रेंड, मैं हूँ डॉली रॉय और आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी झटपट बनने वाली नाश्ते जिसका नाम है रावा कटलेट। आज मैं आपको रावा कटलेट बना के दिखाऊंगी जो बहुत ही बनाना आसान है। फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। रावा कटलेट बनाने के लिए हमें चाहिए रावा, जिसे सूजी के भी कहते हैं, ये बारीक वाली है, चावल के आटे, हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक काट लिया है, टमाटर जिसे मैंने बारीक काट लिया है, रिफाइंड ऑयल, प्याज जिसे मैंने बारीक काटा है और कैप्सिकम। आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने कैप्सिकम का यूज़ किया है। आलू, उबला हुआ आलू, यहाँ पर मैंने लिया है आमचूर पाउडर, जीरा, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले इसमें डालूँगी ऑयल। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल डाला है। अब मैं इसमें डालूँगी जीरा। आप इसमें राई भी डाल सकते हैं अगर आपको राई पसंद है तो। इसमें डालूँगी अजवाइन, को अच्छे से चटकने दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा है। मैं गोल्डन ब्राउन तक इसे पकाऊंगी। जब ये प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर बारीक कटे हुए। फिर मैं इसमें डाल दूंगी कैप्सिकम। यहाँ पर मैंने येलो कैप्सिकम लिया है। आप ग्रीन भी ले सकते हैं, रेड भी ले सकते हैं, आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं, जो आपके घर में अवेलेबल हो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाल दूंगी नमक। मैं सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी इसे। देखिए सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी। ये प्याज कैप्सिकम अच्छी तरह से पक गई है। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ज़्यादा नहीं डालें, मिर्च पाउडर। आमचूर पाउडर। देखिए अच्छी तरह से पक गई है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। मैंने इस ग्लास से पानी डाला है। देखिए एक गिलास मैंने पानी यहाँ यूज़ किया है। इसे मैं उबाल आने तक पकाऊंगी।
अगर आपको पानी कम लगे तो आप पानी बाद में भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। उबाल आने तक मैं पकाऊंगी इसे। उबाल आ गई है, अब मैं इसमें डालूंगी सूजी। सूजी धीरे धीरे डालें, नहीं तो इसमें गांठे आ जाएगी। अब मैं इसे इस तरह से चलाऊंगी। देखिए बन चुकी है ये, अब मैं इसे निकालूंगी। ये देखिए इकट्ठे होने लगी है। इस तरह से आपको बनाना है। अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी, गैस को ऑफ करूंगी। मैं इसे 2 मिनट तक ठंडा रखूंगी। ये ठंडा होगा तभी इसे मैं गूंदूंगी। गरम गरम नहीं करे, नहीं तो ये बनेगी नहीं सही। थोड़ा ठंडा होने दे। देखिए ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी चावल के आटे। आप चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं। चावल के आटे से कुरकुरी बनती है, क्रिस्पी। मैं इसमें डालूंगी उबला हुआ आलू। मैश कर दूंगी इस तरह से और अच्छे से गूंद लूंगी। देखिए ये अच्छी तरह से गूंद चुकी है। जैसे मैं नॉर्मली आटे को गूंदती हूँ, इसी तरह इसे भी गूंदना है। ये डो तैयार करने के लिए मुझे बस 3 चम्मच चावल के आटे लगे। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है, ये चिपकेगी नहीं हाथों में और क्रिस्पी बनेगी। तो चिकना कर लेना इस तरह से। ये बनाना बहुत ही आसान है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। आप इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स में डाल के दे सकते हैं। देखिए ये डो तैयार हो गई है। अब मैं दूसरे प्लेट में ट्रांसफर करूंगी और इस तरह से फैला दूंगी। आप मोटी या पतले शेप दे सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से फैला लिया है, इधर से गोल हो गई है। अब मैं इसे काटूंगी। आप जो भी शेप दे सकते हैं, चकोर दे सकते हैं या कोई भी। अब मैं इसे काटूंगी। देखिए इस तरह से बनानी है। अब मैं इसे कढ़ाई में डालूंगी तेल। तेल गरम हो गई है। देखिए दोनों साइड हो गई है। अब मैं इसे एक एक करके निकाल दूंगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने सर्व करके आपको दिखाया है। देखिए कितनी अच्छी बनी है। ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी है
और अंदर बिल्कुल सॉफ्ट है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बनाने में कोई भी मेहनत नहीं है, झटपट बन जाती है ये। आप इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर क्लिक करके भेजें कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।